जय श्री राम। अब समय का सदुपयोग करते हुए, विलंब ना करते हुए, मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज श्री अपनी दिव्य अमृतमयी वाणी से हम सबको श्री राम कथा का रसास्वादन कराएं। आप सब लोग शांति से श्रद्धा के साथ यथा स्थान पर बैठकर श्री राम कथा का रसास्वादन करें और आस्था भजन के माध्यम से देश और विदेश में जो भी सनातन धर्मी इस राम कथा में अवगाहन कर रहे हैं उन सबको बार बार प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन कि महाराज श्री अपने मुखारविंद से श्री राम कथा की अमृत वर्षा। पूज्य महाराज श्री हमारे श्री प्रेमाचार्य जी का भी सम्मान किया जा रहा है गणेश राम जी चौधरी के द्वारा। हम सब लोग एक बार पुनः करतल धन से सम्मान करेंगे। पूज्य आचार्य श्री काशी से पधारकर हमारे और आपके बीच में आए हैं और आपकी बड़ी महिमा है यज्ञ के क्षेत्र में। यज्ञाचार्य श्री प्रेमाचार्य जी महाराज आपके चरणों में मैं अपना बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूं। संतों का सम्मान चल रहा है और चलता रहे ऐसी मेरी कामना है और इसी बीच में समय का सदुपयोग करते हुए पूज्य महाराज श्री से निवेदन कि महाराज श्री अपनी दिव्य अमृतमयी वाणी से राम कथा की अमृत वर्षा हम सबके बीच करें। सादर जय सियाराम, नमो नारायण। लेकिन आपका गला कहां लगा? आज तो कथा का शुभारंभ है, प्रारंभ है, श्री गणेश है और आपका यदि ना गला आज ही लग जाएगा तो फिर विराट ब्रह्म यज्ञ में कैसे आ?
एक बार उच्च स्वर में बोलिए के नारायण भगवान की। श्री श्री एक अठारह श्री महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट श्री कनक बिहारी दास जी महाराज की, श्री जगत गुरुदेव भगवान की। वो हार है, हार महार। बंधुओं, आज यज्ञ का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस के अंतर्गत आज श्री राम कथा, श्री राम कथा के आज से गंगा अविरल प्रवाहित होगी और उस गंगा में हम सब गोता लगाएंगे और अपने जीवन को धन्य धन्य करेंगे। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए मात्र दो मिनट में अपनी बात कहूंगा, क्योंकि मुझे बोलने में भी गले से दिक्कत हो रही है। आज हमारे जो इस यज्ञ के जो भव्यतम दिव्यतम विशालतम यज्ञ का जो आप दर्शन कर रहे हैं, महाराज श्री यज्ञ सम्राट, जिनको कि हमारे समस्त विश्व के संतों ने यज्ञ सम्राट की उपाधि दी है, ऐसे हमारे संत श्री महामंडलेश्वर कनक बिहारी दास जी महाराज, जिनकी उपस्थिति से हम ही नहीं, इस मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के धराधाम पर इतना बड़ा विशालतम यज्ञ आज प्रथम है और ऐसे यज्ञ को मैं हम दर्शन पाकर कृत कृत हैं। और रामानंदा चार्य भगवान, रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले, जब जब धर्म पर संकट पड़ता है तब तब भगवान रामन राम स्वयं रामानंदाचार्य के रूप में प्रागट होते हैं। और उसी पीठ की परंपरा के अंतर्गत हमारे गुरुदेव भगवान, और जिनके आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है और हमारे यज्ञ के प्रमुख यजमान श्री जो प्रधान यजमान है श्री गणेश लाल जी चौधरी और श्री ब्रजय सिंह रघुवंशी जी दीपाल खेड़ी, श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी जी डुमासरा, श्री संजय रघुवंशी जी अशोकनगर और श्री अर्जुन सिंह जी गुना, इन चार उप प्रधान यजमान और प्रधान यजमानों के लिए एक बार तालियों से स्वागत। मेरे गला लगा है, आज कुछ नहीं बोल पाऊंगा, आगे भगवान ठाकुर जी गुरुदेव का जो आशीर्वाद होगा। बोलिए भगवान की। मैं श्री ब्रजेश सिंह जी रघुवंशी दीपाल खेड़ी, श्री रघुवीर सिंह जी रघुवंशी डुमासरा, श्री संजय रघुवंशी अशोकनगर, श्री अर्जुन सिंह जी रघुवंशी गुना शिवपुरी से, श्री भागीरथ जी मारसा अशोकनगर से, श्री अरविंद सिंह जी रघुवंशी विदिशा जिला से, मध्य प्रदेश रघुवंश समाज के अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी रघुवंशी छिंदवाड़ा से, श्री जगदीश जी पटेल सिवनी से, श्री रघुनंदन सिंह जी मारसा, आपको आमंत्रित करता हूँ कि वे शीघ्र पधार कर महाराज श्री जी का स्वागत करें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। आज इस यज्ञ में आप सभी राजा रानी संत भगवान सबका महायज्ञ सेवा समिति हार्दिक स्वागत वंदन करती है। ये यज्ञ आपके सहयोग से, आपकी भावना से नया इतिहास रचने जा रहा है। आपका एक एक अंश, आपका एक एक कण इस यज्ञ को सफलता की ओर ले जाएगा। आज राजा रानियों के लिए और संत सेवा के लिए और इस यज्ञ को देखने और इस यज्ञ की परिक्रमा के लिए आ रहे हैं, उनके भंडारे के लिए आज
श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकला देवी की स्मृति में पति श्री लल्ला राम जी रघुवंशी, पुत्र श्री अके सिंह जी, दुर्गा ट्राली जमरा परिवार गुना की ओर से भंडारा आयोजित किया गया है। एक बार तालियां बजाकर उस परिवार के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। ईश्वर उनका इसी तरह भंडार भरा रखे, उनकी सेवा संघ सेवा में लगती रहे। जमरा परिवार के रविंद्र सिंह जी, श्रीमती संयोगिता जी, श्री जगदीश सिंह जी, श्रीमती रेखा रघुवंशी, श्री अशोक सिंह जी, श्रीमती अर्चना जी, श्री राजीव जी, श्री शोभा श्रीमती शोभा रघुवंशी, जनपद अध्यक्ष गुना, उनके नाती राहुल रघुवंशी, श्रीमती भारती, आदित्य रघुवंशी जी, इन सभी का महायज्ञ सेवा समिति हृदय से कोटि कोटि वंदन करती है, अभिनंदन करती है। और जो भी महानुभाव दानदाता इस यज्ञ के लिए अपना तन मन धन जो देना चाहें वो समिति से संपर्क कर सकते हैं। जिस भावना से जिस श्रद्धा से आप देंगे यज्ञ भगवान उसको स्वीकार करेगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र की। 1008 महामंडलेश्वर श्री कनक बिहारी दास जी महाराज की, कथावाचक जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की, संत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, भक्त और भगवान की, डुंगासरा धाम की। अब आप महाराज श्री के मुख से कथा का श्रवण सुन। नमः परमहंसास्वादु चरण कमल चन मकरन्दाय भक्त जन मानस निवासाय मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधये चक्रवर्ती तनुजाय राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण करकश राम राम श्री राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामी
तम वंदे रघुनंदनम तम वंदे रघुनंदनम सीतानाथ समारंभ रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंद हो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय एक भरोसो एक बल एक आस एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास गिरजानंद शंकर सुवन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश जय जय भारत देश धन हो वंदनीय बुंदेल धरा के जय जय बाबा तुलसी जब तक नभ में सूर्य चंद्रमा है सागर बाबा तेरी अमर रहेगी जग में राम कहा बाबा तेरी अमर रहेगी जग में राम कहा मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम नरसी के प्रभु जय सांवरिया तुलसीदास जी के राम नरसी के प्रभु जय सांवरिया तुलसीदास जी के राम अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा जन्म जन्म में दास रहूं जब जब जन्मूं या जग में पद पंकज के पास रहूं
जब जब जन्मूं या जग में पद पंकज के पास रहूं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री कनक बिहारी दास जी महाराज की जय। संत वैष्णव भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान इस पवित्र महाकाल धाम के इस पावन परिसर में इस वर्ष रघुवंश संत शिरोमणि पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज ने 1212 कुंडात्मक यज्ञ, समझ लीजिए ये विश्व का विशेष आकर्षण है प्यारे, ये विश्व का विशेष आकर्षण है। और ये आयोजन केवल भारत के लिए नहीं विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है, विश्व कल्याण के। आप जानते हो इस यज्ञ का क्या नाम रखा है? विराट ब्रह्म महायज्ञ। क्यों भाई यज्ञाचार्य जी? विराट ब्रह्म महायज्ञ। आपको मालूम होना चाहिए यह नाम सोच समझ करके दिया गया और भगवान की प्रेरणा से दिया गया। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट श्री कनक बिहारी दास जी महाराज जो भी करते हैं भगवान श्री राम की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से ही करते हैं। वो जैसी प्रेरणा और आज्ञा देते हैं वैसा ही हमारे महामंडलेश्वर जी करते हैं। ये विराट ब्रह्म महायज्ञ, आप जानते हो इस धरती पर ये विराट ब्रह्म महायज्ञ रघुवंश संत श्रोमणि पूज्य स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज यदि कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस धरती पर अगर ब्रह्म को प्रकट किया है तो रघुवंशियों ने ही प्रकट किया है, दूसरा और किसी ने प्रकट नहीं किया है प्यारे। ध्यान से सुनते जाना, एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। रघुवंशी समाज जिला गुना, शिवपुरी जिला और अशोकनगर जिला, ये तीन जिला एवं रघुवंशी समाज मध्य प्रदेश, देखिए ये तीन जिला आपको मालूम होना चाहिए। गुना जिला, शिवपुरी जिला, अशोकनगर जिला और संपूर्ण मध्य प्रदेश रघुवंशी समाज। मैं एक बात पुनः कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ब्रह्म को इस धरती पर किसने प्रकट किया, कोई माई का लाल मुझे ये बताए। चाहे जितना बड़ा शास्त्र वेत्ता क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा महामंडित क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा प्रकांड पंडित क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा संत क्यों ना हो, लेकिन सभी को मुक्त कंठ से यह कहना ही पड़ेगा कि ब्रह्म को, निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना करके इस धरती पर रघुवंशियों ने ही उतारा है और किसी ने नहीं, और किसी ने नहीं उतारा है।
और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। महाराज रघु ने विराट यज्ञ करके रघुवंश को गौरवान्वित किया, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, इस घोर कलिकाल में इस जगत का उद्धार करने के लिए महाराज रघु स्वयं कनक बिहारी दास के रूप में प्रकट हो गए हैं। उन्होंने इतना विराट यज्ञ किया है, आज ब्रह्म को रघुवंश संत श्रोमण श्री कनक बिहारी दास जी महाराज ने आज विराट ब्रह्म महायज्ञ के रूप में उतार दिया है इस धरती पर। ये सौभाग्य भारतवर्ष को मिल रहा है। आज हमारी बात केवल भारत के लोग ही नहीं सुन रहे, हमारी बात को पूरे विश्व के लोग सुन रहे हैं। और आज इस यज्ञ की चर्चा केवल भारत की वसुंधरा पर नहीं बल्कि विश्व वसुंधरा पर चर्चा हो रही है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रघुवंशी समाज विश्व में गौरवान्वित हो रहा है। प्यारे, ये तुमने बहुत बड़ा सौभाग्य हासिल किया है। आज वह ब्रह्म जिसे निर्गुण कहते थे, लेकिन आज वह ब्रह्म सगुण बनकर के आ गया। ब्रह्म सगुण कैसे हुआ, इस पर विशेष चर्चा तो कल ही करूंगा, लेकिन आज मंच का मंगलाचरण है, इसलिए मंच के मंगलाचरण में हमें सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के भगवान शिव का आवाहन करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं हमारे कनक बिहारी दास जी के बगल में, जिनको आप बड़े प्यार से पटेल बाबा के नाम से जानते हैं, याद रखना कनक बिहारी दास जी महाराज तप करते हैं तो उस तप में अगर सेवा करते हैं तो पटेल बाबा करते हैं, पूरी तरह से सेवा देते हैं, पूरी तरह से सेवा में सेवा रत रहते हैं। ये भी सेवा भी बहुत बड़ी बात हुआ करती है। यज्ञाचार्य के रूप में इस विराट यज्ञ का आचार्यत्व अगर मिला है तो काशी से पधारे हुए प्रेमाचार्य को मिला है, जिन्होंने गमाखर में भी यज्ञ का आचार्यत्व संभाला था। और आज ये महाकाल धाम, गांव का नाम क्या है, दुगाशरा की पठार, जहां पर चार महीने चातुर्मास करके अखंड तप स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज ने किया है, उस तपस्या का ही ये परिणाम है कि आज पहले दिन ही इस यज्ञ में समुद्र का स्वरूप विद्यमान हो गया। ऐसे जनता भक्त लहला रहे हैं जैसे समुद्र में जल लहलाता है। पहले दिन ही मैं कहता हूं, दावा है मेरा, इस यज्ञ में ये महाकाल धाम पठार की जगह कम पड़ जाएगी। प्यारे, इतना भक्त जन समुदाय यहां एकत्रित होगा। याद रखना आज तो ये बानगी है, क्यों है नहीं, आज तो ये बानगी है और भक्तों ने ये बानगी दी है, लेकिन अब कल के बाद मस्तानगी शुरू हो जाएगी। याद रखना, दिव्याति दिव्य आनंद आएगा। तो आए जितने भी सहयोग में वैदिक ब्राह्मण आए हुए हैं, हमारे संत जी भी बैठे हुए हैं यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, और भी साथ में वैदिक विद्वान लगभग कितनी संख्या है, देखिए काशी से, चित्रकूट धाम से, वृंदावन से, यत्र तत्र तीर्थों से बहुत विद्वान आए हुए हैं जो सेवा दे रहे हैं। विराट महायज्ञ यज्ञशाला, मैं एक बात और कह रहा हूं,